Hello everybody, most welcome to Class Apart yet again, your very own favorite channel. So bacho, I am your favorite English educator. My name is Sonam Sudhan. I hope I'm your favorite. Okay. ठीक है बच्चों, सो हम लोग बच्चों आज करने वाले हैं क्लास सेवेंथ सीबीएसई एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्री रीडर एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर फोर्थ एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द कॉप एंड द एंथम. तो आप सबको पता ही है कि हम लोग क्लास सेवेंथ की इंग्लिश में, आप लोगों को यहाँ पे अभी फिलहाल क्लास सेवेंथ की इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. सो वंस आई मीन विल डिसाइड व्हाट टू गोइंग फॉरवर्ड, बट या अभी फिलहाल मैं क्लास सेवन की इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. हमने हनीकुम जो है बुक वो हमने ख़त्म कर दी है, उसके सभी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं. अभी हम लोग कर रहे हैं एन एलियन हैंड विच इज़ योर सप्लीमेंट्री रीडर. तो ये है बच्चों आपका चैप्टर नंबर फोर, ठीक है, द कॉप इन द एंथम. सो थोड़ी फनी सी स्टोरी है, सो लेट्स गो अहेड एंड डिस्कवर इट. ठीक है बच्चों, सो बिफोर वी गो अहेड, यू ऑल कैन एस योर स्कूल एग्जाम्स. डोंट फॉरगेट टू बाय योर अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन. अगर आप अपने स्कूल में जीतना चाहते हैं कि आप लोग टॉप करें, डोंट फॉरगेट टू बाय योर सब्सक्रिप्शन यूजिंग माई कोड SOS10. ओके, सो हियर आई एम बच्चों. आप सबने मुझे अन अकेडमी क्लास सिक्स पर देखा ही होगा. माई नेम इज सोनम सूदन, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर. सो या, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स डाइव इन टुगेदर इन टू द चैप्टर. एंड बिफोर वी गो अहेड बच्चों, ये है अन अकेडमी क्लास सिक्स का टेलीग्राम लिंक और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रेजेंट है. अगर आप लोगों ने अन अकेडमी क्लास सिक्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको हर एक सेशन का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे. एंड बग्स बाउंटी, व्हाट इज बग्स बाउंटी. अगर आपको किसी भी एजुकेटर का कॉन्टेंट इन अप्रोप्रिएट लगता है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं एंड इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Then a very very useful feature for you all which is an Academy Ask a Doubt. अगर आपको कोई भी doubts हैं, कुछ भी सवाल पूछना है तो use this feature. घर बैठे बैठे आपको जवाब मिलेगा चुटकियों में, ठीक है, और आपको आंसर में क्या मिलेंगे, you'll get high quality video solutions in English and Hindi. और instant solutions मिलेंगे और बहुत ही accurate होंगे. So yeah, how do you use this feature? You go to the An Academy app, click on Ask a Doubt. उस पर क्लिक करने के बाद में आप अपने डाउट की एक पिक्चर क्लिक करेंगे, फिर आप उसको क्रॉप करेंगे. अगर आपको लगता है कि आपके पिक्चरों को क्रॉप करने की ज़रूरत है तो आप उसको क्रॉप करेंगे. क्रॉप करने के बाद में आप सब्जेक्ट मैच करेंगे और फिर उसको भेज देंगे. विद इन नो टाइम यू विल गेट एन आंसर. वेल लेट्स गो अहेड. बहुत गर्मी है. Okay, the cop and the anthem. You all know what is the cop. What is a cop? Police inspector. या कोई भी जो armed forces में होता है उसको cop कहते हैं. So yeah, let's go ahead. Okay. तो okay, so before we go ahead, so मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसी situations होती हैं जहाँ पर हम लोगों ने कुछ सोचा होता है और वो होता बिल्कुल उसके opposite है. So such situations are very very मतलब आयरोनिक, वेरी सैड. तो ऐसी कुछ एक ही स्टोरी है, एक बंदा है जिसकी स्टोरी है, उसका नाम है सोपी. सोपी बेसिकली एक मतलब जॉबलेस है, उसका ना ही उसके पास घर है ना ही उसके पास जॉब है. और है ये कहानी यूएस की. सो या लेट्स गो अहेड. सोपी किस तरीके से सर्वाइवल के तरीके ढूंढता है, यही है ये पूरी की पूरी स्टोरी, थोड़ी सी फनी टर्म्स में, फनी लाइन्स में. सो या लेट्स गो अहेड. Okay, Soapy moved restlessly on his seat in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. Birds began to fly south. People want new warm coats, and Soapy moves restlessly on his seat back. When you see these signs, you know that winter is near. तो बेसिकली कहा ही जा रहा है कि सोपी जो है वो मेडिसिन स्क्वायर पे एक सीट पर बैठा हुआ है और बड़ी रेस्टलेसली हिल रहा है. तो कुछ ऐसे साइंस हैं जिनको देखकर आप बता सकते हो कि विंटर आने वाली है. तो क्या है वो साइंस? कुछ तो बर्ड्स जो हैं वो साउथ की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, लोग गरम गरम कपड़े खरीदने शुरू हो जाते हैं, और उससे बड़ा साइन ये है कि सोपी जो है वो अपने पार्क में जिस सीट पे बैठा होता है वहाँ पे वो रेस्टलेसली हिलना शुरू हो जाता है. ये होते हैं विंटर आने के साइंस.
readily fell on Sophie's feet. There was that was a special sign for him that winter was coming. It was time for all who lived in Madison Square to prepare. So भाई winter आने वाली है, बहुत सर्दी होती है, बहुत बहुत ठंड लगती है. तो at least I mean आपके पास एक घर होना चाहिए जो आपको protect कर सके. At least आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए, otherwise तो survival बहुत ही मुश्किल है. Sophie's mind now realized the fact. Time had come, he had to find some way to take care of himself during the cold weather, and therefore he moved restlessly on his seat. Sophie's hope for the winter was not very high. He wasn't thinking of sailing away on a ship. तो यूजुअली बच्चों क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा मतलब विंटर होती है ना, तो बहुत ही जो मतलब काइंड ऑफ अमीर लोग होते हैं वहाँ पर यूएस में, वो यूजुअली मतलब सेल करके थोड़ी सी या सेल करके या वेकेशन पे थोड़ी जो नॉर्मल गर्म जगह होती है वहाँ पे चले जाते हैं, सो दैट दे कैन बेयर द हार्श वेदर, सो दैट दे कैन सर्वाइव द हार्श वेदर. अब सोफी बेचारा तो मतलब जॉबलेस है, होमलेस है, वो तो उसके तो कुछ ऐसे प्लान्स हैं नहीं, ठीक है. तो वो तो इमेजिन होप भी नहीं करता कि वो किसी शिप में सेल करके जाएगा. He was not thinking of southern skies or the Bay of Naples. 3 months in the prison of Blackwell's Island was what he wanted. तो अब वो सोच रहा था कि भाई ना ही वो सोच रहा था कि ना ही मेरे को मतलब कोई बड़े अच्छे अच्छी गरम गरम जगहों पे जाना है, उतना ही है कि मेरे को कम से कम मुझे आइलैंड पे ब्लैकवेल जो आइलैंड है वहीं पर मुझे जेल ही हो जाए ना कम से कम, तो जेल में मैं आराम से निकाल लूँगा. कम से कम जेल में कैदियों को खाना मिलता है, रहने के लिए जगह मिलती है, तो उतना भी बड़ा है मेरे लिए. मतलब मैं अगर किसी तरीके से जेल में भी चला जाऊँ तो बहुत है मेरे लिए. ओके, 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड बेड एवरी नाइट, 3 months सेफ फ्रॉम कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स. तो भाई और क्या चाहिए उस बेचारे को, सर्दी में सोच रहे और कहीं नहीं, कम से कम जेल में ही जगह मिल जाए तो बड़ा है मेरे लिए. दैट इज़ वॉट सोपी वॉन्टेड द मोस्ट इन द वर्ल्ड. तो फिलहाल सोपी इतना सोच रहा था कि मैं अपनी सर्दियों का प्लान उसका ये था कि मैं अपनी सर्दियाँ कैसे निकालूंगा, कम से कम जेल में चला जाऊँगा तो बस उतना बहुत है, उतने मेरा काम हो जाएगा. तो ये देखिए आप, सोपी बैठा हुआ है मेडिसन स्क्वायर में एक पार्क में बेंच के ऊपर और बैठकर सोच रहा है कि मुझे किसी तरीके से जेल हो जाए तो अच्छा ही है, कम से कम मेरा सर्दियों का टाइम निकल जाए. ओके, फॉर इयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम. तो कई बारी वो जेल जा चुका था तो ब्लैकवेल आइलैंड जो था वो उसका विंटर होम बन चुका था. Richer New Yorkers made their plan to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter. Soapy made his small plans for going to the island. तो जो अमीर लोग थे वो या तो कहीं बीच पे जाने का या किसी गर्म जगह पे जाने का प्लान करते थे, और जो हमारे सोपी जी हैं वो प्लान करते थे कि कम से कम मुझे जेल हो जाए तो कम से कम मेरा जो सर्दी है वो वहीं पे निकल जाए, तो मैं आराम से गर्म में उस आइलैंड में रहूँगा, खाना मिलता रहेगा, सोने के लिए बेड मिल जाएगा, और क्या चाहिए. And now the time had come. 3 big newspapers, some under his coat, some over his legs, had kept him warm during the night in the park. तो ठंड आने वाली थी, तो उसने क्या किया था बेचारे ने ठंड से बचने के लिए, उसने newspapers फंसा रखे थे अपनी पैंट के नीचे अंदर में या कोट के अंदर, ताकि कि उसको ठंड ना लगे. So Sophie was thinking of the island. There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. These would be given to him. He could move from one building to another and he would take care and he would be taken care of through the winter. But he liked Blackwell's Island better. मतलब बहुत सारी जगहें थी जहाँ पे वो जा सकता था, मतलब उसको खाना मिल जाता, रहने के लिए बेड मिल जाता, लेकिन उसको वो जो आइलैंड था ना जेल वाला, वो उसको बेटर लगता था. Okay, Soapy's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. In one way or the another, he would have to pay for what they gave him. They would not ask for money, but they would make him wash his whole body. They would make him answer questions. They would want to know everything about his life. तो मतलब जो ये जगहें हैं जहाँ पे इसको रहने के लिए मिल जाती जगह, वहाँ पे मतलब अगर कम से कम और कुछ नहीं तो उसको काम तो वो करा किसी ना किसी तरीके से, मतलब या तो उसको वो कुछ काम करा देंगे या तो उसे फालतू के सवाल जवाब करेंगे, तो किसी ना किसी तरीके से वो उसकी भरपाई हो ही जाएगी फॉर वॉट यू नो फॉर लिविंग देयर. तो वो चाहता नहीं था कि वैसा हो, इसलिए उसने सोचा छोड़ो यार, आइलैंड पे ही चलते हैं, जेल में वो बेटर है. ओके, नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट. तो ये बात हो रही है किसकी, आपकी ब्लैक वाटर आइलैंड्स की, ब्लैकवेल आइलैंड्स की. द
The prison had rules that he would have to follow, but in prison a gentleman's own life was still his own life. तो मतलब आपको कम से कम आपकी लाइफ आप ही की है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है. Soapy decided to go to the island at once began to move towards his desire. There were many easy ways of doing this. So basically, अब उसको जेल जाना है तो जेल जाने के लिए प्राइमरी चीज़ कि आपको अरेस्ट होना पड़ेगा. तो अब वो कोई प्लान बना रहा है अपने दिमाग में, यार मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे अरेस्ट कर ले पुलिस और मैं आइलैंड पे चला जाऊँ. तो अब नाउ लेट्स सी व्हाट ही डज टू गेट अरेस्टेड. ओके, देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी. ओके, सो द मोस्ट प्लेजेंट वे टू वॉज टू गो एंड हैव गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट. देन ही वुड से ही हैड नो मनी एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड. दे दैट वुड इट वुड ऑल बी डन टू क्विकली. द कॉप वुड अरेस्ट हिम. ही वुड टेक हिम टू अ जज. द जज वुड डू द रेस्ट. तो बहुत ही सिंपल है. सोचा चलो मैं किसी बड़े से होटल पर जाता हूँ, खाना खाता हूँ वहाँ पे, पैसा तो होगा नहीं मेरे पास बिल भरने के लिए, तो मैं उनको बोल दूँगा मेरे पास तो पैसे हैं नहीं. तो बस वो पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी और फिर वो जज के पास लेकर जाएगी और बस मेरा काम हो जाएगा. जज मुझे इम्प्रिजन कर देगा 3 महीने के लिए. तो माई वर्क इज़ डन. ओके, Soapy left his seat and walked slowly out of the Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. तो वो उठ कर गया एक मतलब काफ़ी पॉश सी स्ट्रीट है उसकी तरफ. ही वेंट अक्रॉस दिस वाइट स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे. ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट. दिस वाज वेयर द बेस्ट फूड एंड बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर एवरी इवनिंग. तो वो एक अच्छे से बड़े से रेस्टोरेंट की तरफ गया. उसने सोचा चलो अब मेरा तो काम इधर बन ही जाएगा और कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे तो मेरे को मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Soapy believed that above his legs he looked all right. His face was clean. His coat was good enough. If he could get a table, he believed that success would be his. So, सोचा ठीक ही दिख रहा हूँ मैं तो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कपड़े वपड़े भी ठीक ही हैं, तो रेस्टोरेंट में जाऊँगा, अगर मुझे एक टेबल मिल जाए तो बस बैठ कर मेरा काम तो हो ही जाएगा. The part of him that would be seen above would look all right. The waiter would bring him water, what he asked for. तो उसने सोचा था कि मैं ठीक तो लग ही रहा हूँ, मतलब ठीक ही लग रहा हूँ मैं, कपड़े पर ठीक ही हैं. तो अब उसने सोचा कि चलो मैं जाता हूँ, मेरा काम हो जाएगा. सो या दिस इज़ द रेस्टोरेंट जहाँ पर वो गया और लेट्स सी वहाँ पर जाकर क्या हुआ. ही बिगैन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट. इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर. द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई. ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी लिल रियल एंगर. तो उसने सोचा, उसने डिसाइड किया अपने दिमाग में कि मैं क्या क्या खाऊंगा. तो सोचा कि चलो मैं ये कुछ ना कुछ खाने के लिए मंगा लूँगा, लेकिन बहुत महंगा नहीं मंगाऊंगा, ऐसा नहीं हो कि मेरे को वो उधर ही पीट दें, मैं कुछ पैसा ना दूँ. तो बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम. बट एज Soapy पुट हिज फुट इन साइड द रेस्टोरेंट डोर, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड टोर्न क्लोथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स. Strong and sturdy hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. तो हुआ ये कि जैसे ही Soapy भाई साहब रेस्टोरेंट की तरफ गए तो ऊपर से तो वो ठीक लग रहा था, लेकिन उसकी जो लेग्स के जो कपड़े थे वो उतने पुराने हुए थे, जूते फटे हुए थे. तो ये रेस्टोरेंट का वेटर आया और उसने उसको मना करके बाहर निकाल दिया. वो समझ गया कि भाई ये तो पे कर नहीं सकेगा, हमारे रेस्टोरेंट को अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा. तो सोचा कि ये तो वैसे भी नहीं पे कर सकेगा, इसको फ़ायदा क्या अंदर लेने का, और उसको बाहर निकाल दिया. ये हो गया Soapy का प्लान फेल. ओके, Soapy टर्नड ऑफ ब्रॉडवे. ओके, इट सीम दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट हिज. ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर. तो फाइनली अब उसको समझ आ गया कि भाई ये जो मैंने तरीका निकाला था जाने का, ये तो इससे तो मेरा काम बनेगा नहीं, चलो अब कोई और ही तरीका निकालते हैं. ओके, एट अ कॉर्नर ऑफ सिक्स्थ एवेन्यू वॉज अ शॉप विद अ वाइट ग्लास विंडो ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स. Soapy picked up a big stone and threw it through the glass. People came running around the corner. A cop was first among them. Soapy stood still and he smiled when he saw the cop. अब उसने सोचा कि भाई चलो रेस्टोरेंट वाला प्लान तो हो गया फेल, अब क्या करें, अब कुछ और करते हैं. तो उसने क्या किया कि एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, बड़ी वेल लिट, मतलब अच्छी लाइटें चमकती हुई बिल्डिंग थी, उसने उसके शीशे पे उठा के एक पत्थर मारा.
तो जब उसने पत्थर मारा तो उसको पता चल गया, उसको लगा कि चलो भाई अब तो मैंने पत्थर मार दिए, अब तो मेरे को जो ये पुलिस वाले हैं वो पकड़ ही लेंगे। वो पत्थर मार के मज़े से उधर खड़ा हो गया कि भाई चलो कॉप आएगा, मुझे अरेस्ट करेगा और मेरा काम बन जाएगा। चलो ये देखो, ये है हमारे सोपी भाई साहब, ठीक है, उसने इस बिल्डिंग पे पत्थर मार दिया, इसका ग्लास तोड़ दिया, ये कॉप जो है आ गया है। नाउ लेट्स सी, व्हाट्स द मैन दैट हु वेयर इज द मैन हु डिड दैट, आस्क द कॉप, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोपी। तो अब कॉप ने देखा, कॉप जैसे आता है सोपी के पास, बोलते भाई कहाँ है वो बंदा जिसने ये काम किया। तो सोपी कहता है डोंट यू थिंक कि मैंने किया होगा। तो ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी। सो अब क्या हुआ कि सोपी तो खुश था बड़ा, उसको लगा कि भाई जो मेरे को चाहिए वो तो आ ही रहा है, अभी आके मेरे को पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेगा। अभी आकर एक कॉप जो है मुझे अरेस्ट कर लेगा तो मेरा तो काम बन ही जाएगा। तो बट जो पुलिस वाला है वो उसको कंसिडर ही नहीं करता। मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू कॉल टू टॉक टू कॉप्स, दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन। द कॉप्स सॉ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग, ही रैन आफ्टर हिम एंड सो पी सिक सिक एट हार्ट वॉक स्लोली, ही हैड फेल्ड टू टाइम्स। तो अब हुआ क्या, तो पुलिस वाले को लगा कि भाई अगर इसने तोड़ा होता तो ये इधर खड़े होकर मुझसे बातें थोड़ी कर रहा होता। तो कॉप को लगा कि भाई ये तो ऐसे ही, इसने तो नहीं तोड़ा है शीशा। तो कॉप को वैसे ही कोई बंदा जाते हुए दिखा स्ट्रीट के बाहर, वो उसको फॉलो करता गया, उसको जाके पकड़ना शुरू हो गया और सोपी बेचारा दूसरी बारी फेल हो गया अपनी जेल जाने की अटेम्प्ट से। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन एट ब्रॉडवे। पीपल हु व्हेन दे वर नॉट सो रिच, इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड। इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज टॉर्न क्लोज एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, ही सैट डाउन ऑन टेबल एंड सून स्टार्टेड ईटिंग अ बिग डिनर। तो फाइनली अब सोपी ने एक रेस्टोरेंट ढूंढा जो एक नॉर्मल सा था, बहुत हाई फाई नहीं था। वहाँ पे वो घुस गया, टेबल पे बैठा और खाना खाने लगा। ओके, व्हेन ही हैड फिनिश्ड ही सेड ही हैड नो मनी। जैसे उसने खा लिया तो उसने बोल दिया मेरे पास तो पैसे नहीं है। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, सेड सोपी, एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर। ही कॉल्ड अनदर वेटर। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। अब फाइनली उनने क्या किया, हमने कहा कॉप वॉप ने हम बुलाएंगे, उसने उसी सोपी को उठाया, उसको अच्छे से कान से पकड़ा और उठा के सड़क पे फेंक दिया। ही स्टूड अप स्लोली वन पार्ट एट अ टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। अब यहाँ पर भी सोपी फेल हो गया, किसी ने उसको अभी तक कॉप को नहीं दिया। अ कॉप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉक्ड अवे। Soapy started moving again. When he stopped, he saw a near several theaters. In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than other parts. Women and men in rich warm coats move happily in the winter air. A sudden fear caught Soapy. No cop was going to arrest him. अब भाई सोपी को लगा भाई मुझे तो कोई कॉप अरेस्ट करेगा नहीं, ये जो स्ट्रीट का हिस्सा है यहाँ पे तो सब खुश हैप्पी सब कुछ बढ़िया लग रहा है, अब मेरा क्या बनेगा। ये जो रेस्टोरेंट वाला है जहाँ पे मैंने खाना खा लिया, इसने भी मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया, पुलिस वाले को तो दिया नहीं, अब कैसे बनेगी बात, क्या होगा। ओके, देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। अब उसने एक और बंदे को देखा थिएटर के, एक और कॉप को पुलिस वाले को देखा थिएटर के पास खड़े हुए। उसने सोचा चलो मैं एक और ट्राई करता हूँ, शायद अब मुझे कॉप अरेस्ट कर ले। बिगैन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। ही डांस्ड एंड क्राइड आउट एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज, ही वोंट हर्ट एनीथिंग, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। अब क्या हुआ, सोपी ने सोचा चलो और कुछ नहीं, मैं पुलिस वाले के पास ही खड़े होकर थोड़ा शोर मचाता हूँ, शायद हो सकता है ये मेरे को अरेस्ट कर ले। तो जब उसको पुलिस वाले ने उसको ये सब करते हुए देखा, तो पुलिस वाले ने एक बंदा जो उसके पास नहीं खड़ा था उसको बोला अरे कुछ नहीं है, ये ऐसे ही मिलता है, कॉलेज का कोई लड़का है यंग सा, ये ऐसे ही गाने वाने गा रहा है, तो इसको तो हम अरेस्ट नहीं कर सकते। सोपी वॉज क्वाइट,
was no cop going to touch him. He began 26, okay, galti se aa gaya. He began to think of the island as if it were as far as a star. अब उसको लगने लगा भाई मैं तो उस आइलैंड में पहुंचूंगा ही नहीं. He pulled his thin coat around him. The winter was very cold. Then he saw a man in a shop buying a newspaper. The man's umbrella stood behind the door. Soapy stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. The man followed him quickly. My umbrella, he said. Oh, is it? Said Soapy. Why don't you call a cop? I took it. Your umbrella. Why don't you call a cop? There's one standing at the corner. तो सोपी बेचारा इतना desperate है जेल में जाने के लिए कि वो क्या करता है, एक बंदा उसका जो छाता होता है, अम्ब्रेला होता है, वो चोरी करके ले जाता है और मतलब आराम से वो बंदा इसको पकड़ता है. तो ये उस बंदे को बोलता है, अरे मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला चोरी किया है, जाओ पुलिस को बुलाओ. वो देखो वहीं पर पुलिस खड़ी है, उसको बुलाओ. तो ये देखो ये इसका अम्ब्रेला लेकर ये बोल रहा है पुलिस को बुला दो. ओके, द मैन वॉक्ड मोर स्लोली. सोपी डिड द सेम. But he had a feeling that he was going to fail again. But Soapy ko lag raha tha ki shayad wo dobara fail ho jayega. The cop looked at the two men. I, said the umbrella man, this is, you know how these things happen. If that's your umbrella, I'm very sorry. I found it this morning in the restaurant. If you say it's yours, I hope you will. It's mine, cried Soapy, with anger in his voice. The umbrella man hurried away. तो अब सोपी नाटक कर रहा है कि भाई मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला चोरी कर लिया, जस्ट टू इरिटेट हिम. द कॉप हेल्प्ड अ लेडी क्रॉस द स्ट्रीट. सोपी वॉक्ड ईस्ट. ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट. ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स, व्हाट ही थॉट ऑफ देम. बिकॉज ही विश्ड टू बी अरेस्टेड, दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग. तो फाइनली क्या हुआ भाई, कुछ भी नहीं बनी बात. ना ही उसको इस बारी भी सोपी ने अरेस्ट, ना ही उसको इस बारी भी पुलिस वाले ने अरेस्ट किया. पुलिस वाले को लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा बंदा है, ये तो कुछ चोरी वोरी कर ही नहीं सकता. ठीक है, सो या नाउ फाइनली एट लास्ट सोपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट्स इन द साइड ऑफ द सिटी. ही टर्न्ड हेयर एंड बिगन टू वॉक टूवर्ड्स मेडिसिन स्क्वायर. ही वॉज गोइंग होम, ऑल्दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क. अब बेचारा थक हार के अपनी सारी ट्रिक्स और वो सब ट्राई करके वापस जा रहा है वहीं पे पार्क पे बैठने के लिए. ठीक है, बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड. हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम. थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग. दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स. स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर एंड सीम्ड टू होल्ड हिम. तो उसको लगा कि भाई कुछ तो मतलब आवाज़ आ रही है. उसको अपना पुराना घर, चाइल्डहुड होम देखने लगा, अपना लिविंग रूम देखने लगा जहाँ पे उसने इतने सारे साल निकाले थे. वो बड़ा खुश हो गया वहाँ पर जाकर. द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट. देयर वर फ्यू पीपल पासिंग. ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्प्ड सोपी देयर फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो. In those days, his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. तो ये कैसा टाइम था. अब बेचारा वहीं पे लेटा है और वहाँ पे इमेजिन कर रहा है कि चलो यही शायद मेरा ऐसा मेरा बचपन का घर होता था. अभी उसको इमेजिनेशन में दिख रहा है तो उसको याद आ रहा है कि एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास कपड़े थे, घर था, पेरेंट्स थे, सब कुछ था. ठीक है, देन सडनली there was a sudden and wonderful change in his soul. He saw with a sick fear how he had fallen. He saw his worthless days, his wrong desires, his dead hopes, the lost power of his mind, and also in a moment his heart answered this change in his soul. He would fight to change his life. He would pull himself up out of the mud. He would make a man of himself again. So basically Soapy ko yaad aaya, matlab usko ekdam मतलब पता चल गया. ही हैड सॉर्ट ऑफ एन इंट्रोस्पेक्शन कि अरे यार मैंने तो अपनी लाइफ को कितना वर्थलेस, यूजलेस बना दिया है. कितनी अच्छी हुआ करती थी मेरी लाइफ एंड आई एम गोना मेक इट बैक अगेन. तो यही है बच्चों द कॉप एंड द एंथम. दैट्स ऑल, दैट्स अबाउट इट. दिस इज वेयर आई थिंक द स्टोरी एंड्स. वेल डज इट? ओके, नो आई डोंट थिंक सो. या सो ये उसको अपना चाइल्डहुड होम लगा. नो सॉरी, इट डज इट डिडंट एंड हियर. ये उसको इसका चाइल्डहुड होम दिखा, यहाँ से उसको म्यूजिक सुनाई दे रहा है, सब कुछ है. देयर वॉज अ टाइम व्हेन यंग वॉज इनफ.
ठीक है, ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ एंड फॉलो इट. दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम. टुमारो ही वुड फाइंड वर्क. अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब. ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो. ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड. तो फाइनली सोपी को जब वो यू नो उसके अंदर से एक आवाज़ आई कि भाई नहीं, मेरे को वापस काम करना चाहिए, आई शुड पे अटेंशन, मैं कल जाऊँगा अपने लिए जॉब ढूंढूंगा और शायद मुझे जॉब मिल भी जाएगी. ओके, ही वुड. सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म. ही लुक्ड क्वाइटली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप. व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क्ड द कॉप. नथिंग, सेड सोपी. यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप. Full of his new strength, Soapy began to argue, and it is now wise to argue with a New York. It is not wise to argue with a New York cop. Come along, said the cop. 3 months prison into Blackwell's Island, said the judge to Soapy next morning. So finally, हुआ क्या? हुआ ये कि जब सोपी को अपना चाइल्डहुड होम दिखा, उसको लगा कि अब उसकी मतलब सोल, अब उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कल काम करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, मैं जाऊँगा, मैंने ही गलतियाँ की हैं सब कुछ. अभी वो बेचारा उधर कुछ भी नहीं करके खड़ा ही था कि पुलिस वाला आया और उसको अरेस्ट करके ले गया, ठीक है, और फाइनली उसको जेल हो गई. ये है जी स्टोरी द कॉप एंड द एंथम, ठीक है. सो या दैट्स अबाउट इट बच्चों. मेरे गले में दर्द हो रहा है. 4 बजे मेरी स्पेशल क्लास है, ज़रूर आइएगा, ठीक है. ओके, सो बच्चों अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फीचर्स हैं. घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका, सभी कोर्सेज का एक्सेस, टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, पूरे सिलेबस का कवरेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, PDF, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइट टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज. और ये सब कितने में? 2 साल 25,000, 18 महीने 20,000, 15 महीने 18,000. For this price with 10% discount using my code SOS10. Then bachcha iconic subscription mein sabhi features hain plus ke, uske saath mein personal mentor, live dot solution session, weekly report card, parent connect and study panel. Aur ye sab kitne mein? 2 years 48,000, 18 months 35,000, 15 months 32,000. Aur is price for 10% discount using my code SOS10. एंड बच्चों डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड. जब मेरी स्पेशल क्लास अटेंड करोगे तो मेरा कोड यूज़ करो SPSO10 टू गेट टू अनलॉक फ्री स्पेशल क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज. SOS10 याद तो है ही, सब्सक्रिप्शन खरीदने से पहले यूज़ करिए. एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बच्चों. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो. बाय बाय.